तो बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले सेशन को वी बिलीव कि आपने सच में एंजॉय किया, हम लोगों ने भी एंजॉय किया, और अभी जब सारे चैट बॉक्स के सारे मैसेजेस को देखे तो लगा आपने इक्वली आपने इक्वली एंजॉय किया और इक्वली आप इन्वॉल्व भी हुए। सिर्फ हम इन्वॉल्व नहीं थे, आप भी थे। दिस इज द रेसिप्रोसिटी, सो थैंक यू वेरी मच। और आज ये कमेंट बड़ा अच्छा लगा, वो जो बंदर की कहानी बताई थी ना कि नारियल का खोल होता है और उसने जब वो हाथ डालता है तो हाथ तो अंदर जाता है लेकिन मुट्ठी नहीं आती बाहर। और उसको लेकर के जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि शब्दों का लालच भी होता है हम लोग को, है ना, शब्दों का लालच भी होता है। अब बोलते हैं कुछ भी हो जाए ये छोड़ेंगे नहीं, वो हाउ विल ही नो दैट आई एम वेरी इंटेलिजेंट, है ना, आई विल डू द बम्बार्टमेंट ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स। तो उसमें एक बड़ा अच्छा कमेंट आया है, और एक टीचर के लिए ऐसा बोलना बहुत हम्बल स्टेटमेंट है कि सर हमने भी मुट्ठी बंद कर रखी है, दैट्स वेरी गुड। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब चलते हैं आज के प्रैक्टिकल सेशन की ओर, और आज हम बातचीत करेंगे। देखिए बहुत अच्छा बोल लिया, बहुत अच्छा रिकॉर्ड कर लिया, बहुत अच्छी सारी बातें आ गई, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो गई, कंटेंट बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अगर अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं, अगर अच्छी एडिटिंग नहीं है ना, तो फिर इतना मेहनत करके फायदा क्या है। तो इसलिए जानना चाहिए, क्योंकि आजकल आईसीटी का टाइम है, आपको टीचर्स बच्चों को आप लोग को रीच करना है, तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है हाउ टू गो फॉर द रिकॉर्डिंग एंड व्हाट आर द सॉफ्टवेयर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड रिकॉर्डिंग। आइए समय स्लाइड में चलते हैं सबसे पहले, और आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन इस समय, सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन, समय को देखते हुए चलेंगे, और जो क्वेश्चन है आप लोग बना के रखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ऑडेसिटी, है ना, ऑडेसिटी इज ये आपका ओपन सोर्स है ना, और ये इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, इसका जो ब्रांड है, ब्रांड आप इस समय सामने देख रहे हैं ऑडेसिटी। और इससे पहले वाले में आएंगे हम, पहले कुछ और ये इंट्रोड्यूस कर दें पहले, वी विल कम टू दिस। हाँ, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर के नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं टॉप लेफ्ट में, अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर है न्यूएंडो। न्यूएंडो काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है और इसको हम काफी इस्तेमाल करते हैं सीआईटी में, तो हम इसी को यूज करते हैं। इट्स अ गुड सॉफ्टवेयर फॉर म्यूजिक रिकॉर्डिंग, ऑल्सो फॉर द ड्रामा रिकॉर्डिंग। टॉप राइट में अगर आप देखेंगे तो दैट इज द कूल एडिट प्रो, ये भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। माउस को आप हॉवर करते हुए देख सकते हैं इस समय यहाँ पर। नीचे आएंगे तो लॉजिक प्रो और क्यूबेस, है ना, ये आप यहाँ पर देखते हैं। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर हैं इनके बारे में आपको बता दूं कि ये जो सॉफ्टवेयर हैं इनमें आपको लाइसेंस चाहिए होता है। हाँ यस, यू आर आस्किंग इज इट फ्री, तो मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि जो शुरू में देखा वो फ्री नहीं है, और इसीलिए इस सेशन की जरूरत पड़ी कि हम ये बताएं कि फ्री जो सॉफ्टवेयर है वो वाला कौन सा है। तो इस समय हम आएंगे जो मेन शुरू के जो चार आपने देखे, ऑडेसिटी की बात हम बाद में करेंगे। आपने पहले न्यूएंडो के बारे में सुना, फिर आपने लॉजिक प्रो के बारे में सुना, क्यूबेस के बारे में सुना, और कूल एडिट प्रो। इन सबों के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है। साथ ही मैं इस समय इन्वाइट करूंगा मेरे साथ मेरे सहयोगी इस समय शानू, आप भी इस समय सामने आ जाए ऑन स्क्रीन तो अच्छा रहेगा। यस, तो एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आज के सेशन में। आइए अब चलते हैं ऑडेसिटी की ओर, और ऑडेसिटी को इस समय हम देखेंगे कि व्हाट कैन इट डू। जी राइट, वेलकम टू ऑडेसिटी। इसके बारे में इस समय देखेंगे कि ऑडेसिटी के बारे में कुछ बातें हैं। ये एक ओपन सोर्स ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है, ये मुक्त और मुफ्त दोनों है, मुफ्त भी है और मुक्त भी है, इसलिए हम इसको फ्री सोर्स कहते हैं। आगे देखेंगे तो इसकी एक खासियत है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में इसके द्वारा बहुत अच्छा संपादन हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडेसिटी इज अ फ्री ओपन सोर्स डिजिटल ऑडियो एडिटर एंड रिकॉर्डिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और ये ऑपरेट हो सकता है मैक में, एट द सेम टाइम विंडोज में तो होता ही है, और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी ये काफी यूजर फ्रेंडली है। इंटरेस्टिंगली आपको इसके द्वारा एक लाभ ये मिलता है कि आपको एक अलग से साउंड मिक्सर की जरूरत नहीं, इसी के अंदर जो इनबिल्ट जो मिक्सर है वो आपको एक कार्यक्रम को मिक्स करके दे देगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं इस समय, और नाउ द क्वेश्चन कम्स ऑफ व्हाट फैसिलिटीज इट गिव्स।
ऑडेसिटी के बारे में एक बात को नोट कर लिए, एक तो ये फ्री है, आपको किसी लाइसेंस की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, इट इज फ्रीली डाउनलोडेबल। तो इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं, यू कैन रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट माइक्रोफोन, क्या क्या आपको फैसिलिटी देता है। डिफॉल्ट माइक्रोफोन का मतलब हुआ कि जो माइक्रोफोन आपके लैपटॉप में ऑलरेडी है या आपके डेस्कटॉप में, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, और या तो आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी लगा सकते हैं। दूसरा इसका फायदा है, यू कैन एडिट, यू कैन इंपोर्ट एंड यू कैन एक्सपोर्ट द ऑडियो फाइल्स। आगे एक बात और है कि सिर्फ आप ऑडियो फाइल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते, नॉट ओनली यू कैन रिकॉर्ड बट एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो मिक्स द मल्टीपल ट्रैक्स बाई यूजिंग द एनवेलप, दैट इज वन ऑफ द टूल दैट वी विल सी इन दिस Audacity सॉफ्टवेयर लेटर ऑन। यू कैन ऑल्सो क्रिएट effects एंड इवन इंक्रीज द amplitude. एम्पलीट्यूड का मतलब हुआ, ये बात हम बाद में करेंगे, पर amplitude का मतलब हुआ इफ द रिकॉर्डिंग लेवल इज वेरी लो, आप चाहते थे जोर से बोले लेकिन बोला नहीं, है ना, अगर बहुत लो है तो इसमें आपको एक फैसिलिटी मिलती है, आप आवाज को बढ़ा सकते हैं। हाउ एवर वी विल सजेस्ट यू कि जब भी रिकॉर्ड करें तो ऐसा ना होने दे कि बहुत लो हो जाए, क्योंकि डिजिटली ट्रीटेड जो ऑडियो फाइल्स हैं वो पता चलती हैं। यू कैन ऑल्सो यूज द मल्टीपल ट्रैक्स। नेक्स्ट, हाउ टू गेट इट, इस बात को यहां पर देख लीजिए, गो टू गूगल एंड टाइप Audacity डाउनलोड्स, इट विल टेक यू टू द ऑप्शंस एंड द ऑप्शंस आर देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। आज हो सकता है कुछ लोगों को शिकायत होगी कि हमारा Audacity ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो इसलिए कि शायद आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर है, हो सकता है वो उसके लिए वो उसके ज्यादा फ्रेंडली ना हो, है ना, क्योंकि विंडोज के भी अलग अलग वर्जन है। तो इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, आप कोशिश कीजिए 2.2.1, अगर इसको करेंगे तो ये ऑलमोस्ट सभी सिस्टम में अच्छी तरह काम करता है। एनीथिंग सर, ऐसे हम ये सॉफ्टवेयर 2.2.1 ये तो थोड़ा सा ओल्डर वर्जन है, बहुत ओल्ड है। आपको अगर आपका सिस्टम विंडोज 10 में काम कर रहे हैं तो फिर आप इसका नया वर्जन आप डाउनलोड कर दीजिए। अगर आपका सिस्टम वैसे विंडोज 7 और ऐसे है तो फिर आप थोड़ा सा ओल्डर वर्जन, आपको उसमें देखना है आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या दिखा रहे हैं, वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप Audacity साइट से आप डाउनलोड कर दीजिए। हाँ, तो और अगर वैसे ये जो स्लाइड है हम आपके साथ शेयर करेंगे, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन अगर मिस हो जाता है तो आपको ये बता दें, यूट्यूब में इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल है, आप आराम से देख के आप अकॉर्डिंगली फॉलो करके आप जा सकते हैं। लेकिन यूट्यूब में जो है जो ट्यूटोरियल है काफी पेस बहुत फास्ट है, यहाँ स्लो है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो ट्राई टू अवेल दिस स्लाइड दिस प्रेजेंटेशन, आपको इससे बहुत लाभ होगा। आगे चलते हैं, आइए अब चलते हैं कि हाउ टू बिगिन, अब हम जाएंगे वर्किंग डायरेक्टरी में। अब आइए, अब बहुत प्रैक्टिकल सेशन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और अब हम इसमें देखेंगे क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं। इसमें दिख रहे हैं, यही है Audacity सॉफ्टवेयर का आइकन, आप इसमें क्लिक करके ओपन कर दीजिए, इंस्टॉल करने के बाद इसमें क्लिक करके ओपन कर दीजिए। अब ये खुल रहा है, ओके अब देखते हैं हाउ टू बिगिन, हाउ टू रिकॉर्ड एंड हाउ टू गो फॉर ए प्रोग्राम। तो स्टेप नंबर वन, गो टू द फाइल, आप फाइल में जाइए, यू कैन सी द हॉवरिंग ऑफ द माउस हियर, यू कैन सी राइट नाउ हियर, एंड व्हेन यू टॉगल इट डाउन यू कम टू न्यू, क्योंकि आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, है ना, यू आर अबाउट टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, सो यू हैव कम टू न्यू। अगर कोई ऑलरेडी पहले का प्रोजेक्ट है तो वाली बात अलग, लेकिन अभी वी आर गोइंग टू क्लिक इट न्यू को हमने जब क्लिक किया, क्योंकि यू नीड टू हैव अ ट्रैक एट फर्स्ट, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू रिकॉर्ड। अब एक न्यू में जब हम गए, ये आपका न्यू विंडो खुल गया, नाउ वी नीड टू हैव द ट्रैक, सो वी विल गो टू ट्रैक्स, यहाँ पर देख सकते हैं इट इज हॉवरिंग ओवर दैट लेटर, ओके ट्रैक्स आर देयर, इसको क्लिक करेंगे एंड यू टॉगल इट डाउन एंड इट सेज एड न्यू एंड इट इज गिविंग यू द ऑप्शन वेदर यू वॉन्ट टू रिकॉर्ड इट इन द मोनो और इन द स्टीरियो। So most preferably we will say that we will go to mono track, okay? So mono track mein hum chalenge and here you can see that a new track has appeared in the working window. We can see here ki yahan par ye naya track ab bilkul aa gaya. Now you are at the threshold of the recording. You are going to
you are in the, I must say, the complete preparedness to record the program. Now this track is there. Okay? तो ये ट्रैक आपको दिखाई पड़ रहा है, अब आपको रिकॉर्डिंग के जाना है. अब जब रिकॉर्डिंग के जाते हैं, और एक बार हम सिर्फ इसको हल्का डेमो देते हैं. गो टू फाइल एट फर्स्ट, देन यू गो टू न्यू. जब न्यू में जाएंगे तो उसके बाद हमने यहाँ तक कर लिया, सिर्फ इसको हम रिपीट कर रहे हैं. न्यू में जब जाएंगे तो एक वर्किंग विंडो आएगा, उसके देन यू गो टू ट्रैक. ट्रैक के बाद एड न्यू में जाएंगे, एड न्यू में जब जाएंगे तो मोनो और स्टूडियो, वट एवर यू कैन डू. तो अब हम यहाँ देख सकते हैं द ट्रैक इज रेडी टू रिकॉर्ड. फाइन, अब यहाँ पर हमने देखा ये अब रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल तैयार है. आप इसमें और ट्रैक भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे. अब आगे चलते हैं, हाउ टू रिकॉर्ड. अब आपके पास ऑप्शन है, सुनिएगा ध्यान से, जो मैंने शुरू में भी बोला था, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन रिकॉर्ड आइदर बाय द डिफॉल्ट माइक्रोफोन विच इज ऑलरेडी इनबिल्ट इन योर लैपटॉप. आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में एक माइक होगा, आप उससे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी यूज कर सकते हैं रिकॉर्ड करने के लिए. तो अब आगे चलते हैं यहाँ पर. और लेकिन एक बात को जरूर ध्यान रखिए, दैट इज द प्रोडक्शन एडवाइस, एंड द एडवाइस इज दैट एनश्योर कि आसपास में बहुत शोर वाला ना हो. अगर हल्ला गुल्ला हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो दैट वोंट बी पॉसिबल. सो यू नीड टू मेक इट वेरी श्योर इन द बिगिनिंग, यू नीड टू मेक इट वेरी श्योर दैट देर इज नो एनवायरमेंटल साउंड एट ऑल. ओके, राइट. तो अभी यहाँ पर देखते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द प्रोग्राम. तो अभी इसको थोड़ा ठीक से देखना पड़ेगा, राइट. नाउ, हाँ, डू यू वांट टू से समथिंग? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द प्रोग्राम. सो फॉर रिकॉर्डिंग द प्रोग्राम वी नीड टू एंश्योर दैट वी हैव द स्क्रिप्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, अदरवाइज आउट ऑफ द ब्लू यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग. वी मस्ट बी इन अ राइट प्रिपेयर्डनेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. मैं दोनों प्रकार से बात करूंगा, बाइलिंगुअली बात करूंगा. ओके, आर यू कंफर्टेबल? आप लोग कमेंट कर सकते हैं सर, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ठीक चल रहा है कि नहीं. ओके, हाँ, ओके, करंट वर्शन इज 3.2.2. ओके, गुड गुड गुड. मोबाइल में ये नहीं है, मोबाइल में ये फैसिलिटी नहीं है. तो आइए अब आगे देखते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड. ओके, तो पहले आप किसी बात को सोच लीजिए, आपको रिकॉर्ड क्या कर रहा है. मैं अभी एक्सटेम्पोर बोलूंगा क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट अभी है नहीं. तो आइए इस समय हम रिकॉर्ड करते हैं. रेडी? तो रिकॉर्डिंग के तैयार होते हैं. आप लाल बटन देख रहे हैं, माउस उस तरफ बढ़ता हुआ, माउस वहां पर हॉवरिंग कर रहा है इस समय. यू कैन सी दैट इज द टूल फॉर रिकॉर्डिंग. इसको आप प्रेस करके आप रिकॉर्डिंग में जा सकते हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस नाउ. ओके, स्टार्ट. साथियों नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है. और गला ओके, थोड़ा सा पानी पी लूं. तो साथियों आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम को ट्यून किया. उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आता है. श्रोताओं, आज हम बातचीत करेंगे एक फिल्म के बारे में, और इस फिल्म को बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड मिले. इस फिल्म का नाम था टाइटेनिक, और ये फिल्म बहुत ही लोकप्रिय हुई. और टाइटेनिक के बारे में इस समय कहना चाहता हूं कि लगातार इन दिनों भी शोध हो रहा है कि ये डूबा क्यों. ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एक्सीलेंट था, सारी बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन क्यों ये डूब गया. बहुत सारे शोध हैं, लेकिन एक शोध जो है वो सबको समझ में आता है, सबके लिए वो मान्य है. और वो ये है कि ये इसलिए डूबा कि टाइटेनिक ने वार्निंग मैसेजेस को इग्नोर किया. इग्नोर किया का मतलब यह है श्रोताओं कि जब टाइटेनिक जब अटलांटिक महासागर में जा रहा था, तो बहुत सारे छोटे छोटे जहाज भी आसपास थे. उन्होंने ये मैसेज दिया कि आसपास में आइसबर्ग हैं, सो अपनी स्पीड को वो कम कर ले. लेकिन टाइटेनिक के अंदर एक अहंकार था, उनको पता है वो किनसे बात कर रहे हैं. वी आर टाइटेनिक, यू नो, वी आर द माइटी टाइटेनिक. और उन्होंने अवॉइड किया, उन्होंने किसी भी वार्निंग सिग्नल को एक्सेप्ट नहीं किया, और यही वजह है कि वो बर्फ की शिला से टकरा करके डूब गया. तो साथियों इसे मैं कहना चाहता हूं, हमारे लाइफ में भी बहुत सारी वार्निंग आती होंगी, हमारे दोस्तों से, हमारे पेरेंट्स से, हमारी सिचुएशन से. तो आज के दिन कहना चाहता हूं, इवन बॉडी गिव्स अ साइन, बॉडी आल्सो गिव्स द वार्निंग सिग्नल. तो आज के दिन कहना चाहता हूं कि इससे पहले कि प्रोग्राम को समाप्त करें, किसी भी वार्निंग को इग्नोर ना करें, लेकिन उसको सीरियसली लें. हमारी भलाई इसी में है. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं हूं आपका दोस्त अजीत होरो, और अगले प्रसारण में फिर से भेंट होगी. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार. ये रिकॉर्ड हो गया, और अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप इट.
आप स्पेस बार को दबा के भी स्टॉप कर सकते हैं, और जहां पर आपको माउस दिख रहा है यहां पर भी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं आगे, हमने ये रिकॉर्ड कर दिया, नाउ हाउ टू डू द एडिटिंग। आइए इस समय चलते हैं, इसी को नीचे से हम ड्रैग करेंगे, माउस को आप देख सकते हैं इस समय, यहां पर का स्लाइडर दिखा देते हैं। हाँ, यहाँ का यहाँ नीचे में आप स्लाइडर देख रहे हैं, ओके। इससे हम इसको बिल्कुल लेफ्ट में ले आएंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट में, क्योंकि हमको वहां से स्टार्ट करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एडिट। अभी हमको एडिट करना है, तो एडिटिंग की ओर चलेंगे। तो एडिटिंग के जब आते हैं तो फिर इसको नीचे कर देते हैं। और एक और चीज, इसमें आपको जूम इन और जूम आउट बटन भी है। आपको स्क्रीन में कितना ये वेवफॉर्म बड़ा करना है या छोटा करना है, आप इसी ये दोनों बटन से कर सकते हैं। आपका प्लस माइनस ही प्लस, देखिए ये भी छोटा हो गया और भी छोटा हो जाएगा। अभी चाहे तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, हमने बढ़ा लिया, राइट। अब आइए इसको एडिट करते हैं। आपको बता दूं, जानबूझ के मैंने खांसा था ताकि हम इस बात को देख लें कि हम इसको एडिट कैसे करेंगे। सो दैट वॉज पर्पसली डन। आइए अब इसको हम एडिट करते हैं। तो एडिटिंग के जब आप जाते हैं तो एक टूल है, एंड दैट इज द सिलेक्शन टूल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपिटल आई आपको दिखाई पड़ रहा है, कैपिटल आई, दिस इज द सिलेक्शन टूल। इसको जब क्लिक करेंगे तो इसके द्वारा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है सिलेक्शन टूल, एंड द कीबोर्ड कमांड इज F1। तो आइए इसको इस समय लेकर के चलते नीचे गए, और यहाँ से अब हम इसको सुनना शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और थोड़ा सा पानी पी लूं। तो साथियों आज के कार्यक्रम right. में आप तो जहां पर ये खांसी है, अब उसको हमें ठीक ठीक देखने के लिए हम इसको ज्यादा थोड़ा जूम इन करेंगे, और राइट। और अब यहाँ पर देखिए, शुरू में एक आवाज है, एक म्यूजिकल आवाज थी टें करके, है ना। इसको अभी हम हटा देंगे, डिलीट दबाएंगे तो यहाँ पर ये हट जाएगा। डिलीट दबाया, हट गया ये, और नाउ वी विल प्ले इट। साथियों नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और राइट यहाँ तक देख लिया हमने, ओके। अब हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल में गए, सिलेक्शन टूल में जाके अब हमने इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लिया जहां पर खांसने की आवाज है। लेट अस गो नाउ, और यहां तक बिल्कुल लास्ट तक आ गए, राइट। अब इसको वी कैन डिलीट, डिलीट दबाइए, ये हो गया। सुन के देखते हैं सही एडिटिंग है या नहीं। नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और तो साथियों आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम को ट्यून किया। उम्मीद करते हैं कि ये अंडू करेंगे। हाँ, और एक बार इसको देख लेते हैं एकदम। हाँ, और कौन सा गला, थोड़ा सा पानी पी लूं। तो साथियों आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि हम यहाँ से भी ले सकते हैं हमारे कार्यक्रम को, यहाँ से हम ले सकते हैं, रोक ले। यहाँ से फाइनल बोला है, जहाँ पर खांसी है उसके साथ हम पूरा हटा सकते हैं। वी कैन सेलेक्ट दिस एंड यूज द टूल डिलीट। अब ये डिलीट हो गया, नाउ वी कैन लिसन टू दिस। साथियों आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम को ट्यून किया। उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आता है, राइट। श्रोताओं आज हम बातचीत करेंगे एक फिल्म के बारे में, और इस फिल्म को बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड मिले। इस फिल्म का नाम था टाइटैनिक, और ये फिल्म बहुत ही लोकप्रिय हुई। और टाइटैनिक के बारे में इस समय कहना चाहता हूँ कि लगातार इन दिनों भी शोध हो रहा है कि ये डूबा क्यों। ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एक्सीलेंट था, सारी बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन क्यों ये डूब गया। बहुत सारे शोध हैं, लेकिन एक शोध जो है वो सबको समझ में आता है, सबके लिए वो मान्य है। अब वो ये है कि ये इसलिए डूबा कि टाइटैनिक ने वार्निंग मैसेजेस को इग्नोर किया। हाँ, रोक लेंगे। हमने देख लिया कहाँ तक काफी है। अब इसको सिलेक्शन टूल में जाके हमने इसको सेलेक्ट किया, और अब हम इसको डिलीट करेंगे। यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, राइट। डिलीट को हाँ, अब सुन लेते हैं। वार्निंग मैसेजेस को इग्नोर किया का मतलब यह है श्रोताओं कि जब टाइटैनिक जब अटलांटिक महासागर में जा रहा था तो बहुत सारे
छोटे छोटे जहाज भी आसपास थे, उन्होंने ये मैसेज दिया कि आसपास में आइसबर्ग हैं, सो अपनी स्पीड को वो कम कर ले। लेकिन टाइटैनिक के अंदर एक अहंकार था, उनको पता है वो किनसे बात कर रहे हैं, वी आर टाइटैनिक, यू नो वी आर द माइटी टाइटैनिक, और उन्होंने अवॉइड किया, उन्होंने किसी भी वार्निंग सिग्नल को एक्सेप्ट नहीं किया, यही वजह है कि वो बर्फ की शिला से टकरा करके डूब गया। तो साथियों इस समय कहना चाहता हूँ, हमारे लाइफ में भी बहुत सारी वार्निंग आती होंगी, हमारे दोस्तों से, हमारे पेरेंट्स से, हमारी सिचुएशन से। तो आज के दिन कहना चाहता हूँ, इवन बॉडी गिव्स अ साइन, बॉडी आल्सो गिव्स अ वार्निंग सिग्नल। तो आज के दिन कहना चाहता हूँ कि इससे पहले कि प्रोग्राम को समाप्त करें, किसी भी वार्निंग को इग्नोर ना करें, लेकिन उसको सीरियसली लें, हमारी भलाई इसी में है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हूँ आपका दोस्त अजीत थोरो, और अगले प्रसारण में फिर से भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। ये रिकॉर्ड हो गया, ओके, अब लास्ट का हिस्सा हम हटा रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो गया, ओके। तो अब ये कम्प्लीटली रिकॉर्डेड है, अब ये रिकॉर्ड हो गया, नॉट ओनली रिकॉर्डेड बट ऑल्सो एडिटेड, अभी एडिट हो गया। लेकिन अब मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ कि कितना अच्छा होगा यदि मैं किसी म्यूजिक से स्टार्ट करूँ, और एट द सेम टाइम ये भी हो कि म्यूजिक से मैं स्टार्ट करूं, और बीच में जब मेरा नरेशन चल रहा है तो वहां भी म्यूजिक हल्का हल्का सुनाई दे, और इसका एंड भी एक म्यूजिक से हो, जो कि एक प्रोग्राम को बनाने का तरीका होता है। तो हाउ टू गो फॉर इट, अभी इसको देखेंगे। सो अभी हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करके बीच में ले आएंगे, यू कैन सी, आप इसे माउस को देख सकते हैं, हल्का सा ड्रैग कर लीजिए, आउट हुआ कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पर आप टॉप एक्सट्रीम लेफ्ट में आप देख रहे हैं, थोड़ी सी जगह बच गई, और एक बार ड्रैग करके दिखा दिए, ऐसे करेंगे तो हाथ बन जाएगा यूं करके, और अब हम इसको जहां ड्रैग करना चाहें हम ड्रैग कर सकते हैं, तो ड्रैग कर लीजिए, एक बार उधर ले जाइए, अब फिर इधर ले आते हैं, राइट। ये जगह हमने इसलिए बनाई कि यहाँ पर हमको म्यूजिक डालना है, जी सर, हमने इसलिए ये जगह बनाई। लेकिन अब म्यूजिक डालने के लिए हमको एक नया ट्रैक चाहिए, है ना, नया ट्रैक चाहिए। तो अगेन वी विल गो टू फाइल न्यू, नहीं, हाँ एक ट्रैक और, हाँ अब यहां पर बोल रहा है एड न्यू, तो एक ट्रैक हमको और अभी डालना है, तो वी विल गो टू द ट्रैक, डालते हैं, राइट। और यहां पर आप देख रहे हैं नीचे नीचे एक ट्रैक और आ गया, इसको थोड़ा उठा लेते हैं ऊपर, ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे, राइट। ये एक दूसरा ट्रैक है ना, इट इज अनदर ट्रैक, आप एकदम यहां पर देख सकते हैं, ऑडियो ट्रैक लिखा हुआ है, ट्रैक नंबर वन, दिस इज ट्रैक नंबर टू। अब इस ट्रैक नंबर टू में हमको म्यूजिक लाना है ना, सो हाँ, तो अब हम म्यूजिक कैसे लेकर के आएंगे देखेंगे। इस समय गो टू फाइल, और उसके बाद कम टू इंपोर्ट, नाउ वी आर गोइंग टू इंपोर्ट द, और यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, ऑडियो चाहिए या क्या चाहिए। तो ऑडियो में अगर हम जाएंगे तो यू नीड टू बी एंश्योर्ड कि आपके सिस्टम में म्यूजिक कहीं पर रखा हुआ है, डेस्कटॉप में रख लीजिए या तो कहीं पर रखिए, अदरवाइज वेयर फ्रॉम यू आर गोइंग टू इंपोर्ट। सो इन ऑर्डर टू इंपोर्ट यू नीड टू हैव द बैकअप ऑफ द म्यूजिक फाइल, तो वो आपको रखना पड़ेगा। नाउ दिस इज ऑडियो, अब इसको क्लिक करते हैं, जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपको अपने आप शो कर रहा है, ये मेरे डेस्कटॉप का एक फोल्डर है, उसमें साउंड इफेक्ट लिखा हुआ है। तो नाउ वी विल गो टू ट्रैक गुड म्यूजिक पियानो, ओके। तो अब यहाँ पर जब आ गए, यहाँ पर अब हम देखते हैं, अब नाउ वी विल ओपन इट, हम इसको खोलेंगे इस समय, यहाँ देख रहे हैं कि इट इज नाउ इंपोर्टिंग, और ये इंपोर्ट हो गया, यहाँ पर म्यूजिक पीस आ गया, इसको थोड़ा स्क्वीज करके राइट। अब आप एक्सट्रीम लेफ्ट की ओर देखिए, टॉप पर वहां पर खाली जगह है, और उसी जगह पर हमने म्यूजिक को सेकेंड ट्रैक में रखा है, ओके। तो अब हम चाहते हैं कि म्यूजिक से ये स्टार्ट हो, बीच में म्यूजिक चले, और लास्ट तक म्यूजिक चले, और जो लास्ट है वो म्यूजिक के साथ खत्म हो। बट हियर वी सी, अगर ऐसे ऐसे थोड़ा हिलाएंगे तो हियर वी सी कि म्यूजिक ट्रैक थोड़ा छोटा हो गया। इसको हिला के दिखाते हैं ऐसे करके, राइट, ये आपका छोटा हो गया, देखिए, यानी थोड़ा सा हमको थोड़ा सा और चाहिए, ये रहा, है ना। तो अब व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट कॉपी अ पोर्शन ऑफ द म्यूजिक, राइट, थोड़ा सा, हाँ, यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी आप कॉपी कर दीजिए और इस एरिया में आप पेस्ट कर दीजिए। अभी भी थोड़ा सा और इसको लंबा करना चाहिए इसका। ये ठीक है, बोलते जाओ। इस टाइम में हम इधर कॉपी कर दिया और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सो दैट
हम ये पूरा पोर्शन के लिए म्यूजिक हमारे पास अभी है। हाँ, सफिशियंट हो गया। और ये एकदम एक्सट्रीम राइट में देखेंगे तो म्यूजिक पोर्शन बाहर निकला हुआ, बाहर निकला है ना, बाहर निकला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब नरेशन खत्म होगा तो वी हैव द स्कोप ऑफ म्यूजिक, हम म्यूजिक को ला सकते हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे, हाउ टू मिक्स इट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। राइट, अब इसको मिक्स करेंगे तो थोड़ा ड्रैग करते हैं एक्सट्रीम राइट में, थोड़ा सा दिखा देते हैं साफ साफ। ठीक है सर। ओके राइट, तो अब हम एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएंगे पहले। हाँ, यहां पर आपको दिखाई पड़ा। अब व्हाट वी नीड टू डू, वी आर गोइंग टू मिक्स बोथ द ट्रैक्स ऑल टुगेदर एंड इट विल बिकम अ सिंगल ट्रैक। ये एक सिंगल ट्रैक बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बी अ प्रोग्राम, क्योंकि टू ट्रैक्स यू कैन प्ले ओनली ऑन द ऑडियो सिटी, बाहर तो नहीं बजा सकते हैं ना। इफ यू वॉन्ट टू सेंड दिस प्रोग्राम टू एनी वन, तो आपको इसको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो नाउ लेट अस गो टू द मिक्सिंग। और इसके लिए एक टूल है, इसे हमें देखेंगे, दैट इज कॉल्ड द एनवेलप। यहाँ पर देखिए, वो इसको ठीक से समझ लीजिए, लेकिन एक बात आपको नोट करना पड़ेगा, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली द स्क्रीन, क्योंकि इस समय आप देखें कि नीचे के ट्रैक में कुछ असर पड़ेगा जब इसको हम क्लिक करते हैं। ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम देखा लाइनिंग आ गई। ओके, लाइनिंग आ गई, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइन आ रही है, और एक आप लोग समझते हैं डमरू है ना, डमरू का चिन्ह यहाँ पर आ रहा है। तो म्यूजिक के ट्रैक में वो जो डमरू का ये है जो चिन्ह है, वहां पर हम जहां हमको लॉक करना पड़ेगा, तो वी आर गोइंग टू लॉक इट। एक बार इसको क्लिक कीजिए, देखिए अब ये लॉक हो गया। लॉक हो गया का मतलब लेफ्ट साइड का जो है वो इंटैक्ट रहेगा, और राइट साइड का जो है उसके साथ हम आपको कहाँ पे ये चेंज करना है वहां पे आप दो बार लॉक कर दीजिए, और उसके हिसाब से आप ड्रैग अप और डाउन करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, हाँ राइट, उसके हिसाब से उसका लेवल कम या बढ़ते जाएगा। हाँ, ये म्यूजिक का लेवल है जो हम अप एंड डाउन कर रहे हैं ना, देखिए ये म्यूजिक का लेवल है। राइट, तो म्यूजिक का लेवल अब देखिए कम हो गया जहां पर नरेशन है, लेकिन एक बार सुन लेते हैं सर। हाँ, हम वैसे एक बार रॉक सुना देते हैं सर। हाँ ठीक है, ओके। हाँ सुनिए जी। राइट, ठीक है। साथियों, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रत्येक से हमारे कार्यक्रम रोकेंगे। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, आप ये देख रहे होंगे कि जो म्यूजिक है वो दैट इज ओवर पावरिंग द नरेशन, नरेशन साफ साफ नहीं आ रहा, तो उसके लिए वी नीड टू लोअर डाउन द लेवल ऑफ म्यूजिक, जब मेनली जब बोला जा रहा है तब। तो इसके लिए अब हमको वही करना है, वी विल गो टू द एनवेलप, इसको क्लिक करके हम आते हैं नीचे, देखेंगे यहाँ पर जहां से नरेशन है आप देख रहे हैं, ठीक नरेशन के एज पर हमने लगाया, एंड वी आर गोइंग टू ड्रैग इट डाउन। हम इसको डाउन कर रहे हैं, अभी डाउन करेंगे, बिल्कुल डाउन कर दें। राइट, तो यहां पर हम देखते हैं कि अब इसको सुन करके देखते हैं हाउ इट हैज कम। ऊपर ऊपर, हाँ एकदम से म्यूजिक यू ही स्टार्ट ना हो जाए, इसे हमको यहाँ भी नीटली थोड़ा सा करना पड़ेगा, शुरुआत में भी नीटली। हाँ मतलब फेड इन अच्छा होना चाहिए, नहीं तो धमाके की तरह आएगा, है ना। यस सर। हाँ चलते बजा के देखते हैं। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बस फिर से हमारे कार्यक्रम मुझको अभी भी लगता है कि थोड़ा सा कम कर सकते हैं, थोड़ा सा और कम करते हैं। तो थोड़ा और कम करते हैं, क्योंकि एजुकेशनल प्रोग्राम है तो और कम करते हैं। अब सुन के देखते हैं। साथियों, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर से हमारे कार्यक्रम को ट्यून किया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नरेशन इज वेरी क्लियर, बट एट द सेम टाइम यू कैन लिसन टू द म्यूजिक विच इज बीइंग अंडरप्लेड। यस सर। तो अब हम दूसरे में आते हैं, इसको भी नाउ वी विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रायर लेवल। हाँ, इसको डाउन किया, ठीक उससे मैच कर दिया, जो दूसरा मैच हो गया देखिए। और अब इसकी एंडिंग को थोड़ा ठीक कर रहे थे, एंड में भी एकदम म्यूजिक एब्रप्टली एंड नहीं होना चाहिए, तो लॉक किया, लॉक करके उसको ड्रैग डाउन किया नीचे का जो लेवल है।
ड्रैग डाउन किया और वहां पर जगह नहीं एक्चुअली। हाँ ये हो गया राइट। तो अब ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट, अब इसको थोड़ा सा सुन लेते हैं, बीच में हल्का सा सुन लेंगे, बीच में कहीं से भेजा दीजिए। जब टाइटैनिक जब अटलांटिक महासागर में जा रहा था तो बहुत सारे छोटे छोटे जहाज भी आसपास थे, उन्होंने ये मैसेज दिया कि आसपास में आइसबर्ग हैं, right. तो अपनी स्पीड को वो कम कर दे। ओके हो गया, आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या क्या किया, हमने हमने आपका ट्रैक बनाया, नहीं सबसे पहले हमने ट्रैक बनाया, ट्रैक बनाने के बाद हमने सिंगल ट्रैक में रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद हमने उसको एडिट किया। एडिटिंग के लिए जो आपका सिलेक्शन टूल है वो आपको दिख गया होगा, ये सिलेक्शन टूल है। उसके बाद हमने एडिट किया, एडिट करने के बाद हमने म्यूजिक को यहाँ पर डाला, उसके लिए हमको ट्रैक टू बनाना पड़ा। एक ही ट्रैक में करेंगे तो वो उसी के ऊपर आ जाएगा, इसे हमको चाहिए कि हम एक नया ट्रैक बना लें। तो वी क्रिएटेड अ न्यू ट्रैक, उसके देन वी यूज द एनवेलप, उसके बाद हमने इंपोर्ट किया। जब इंपोर्ट किया तो वाली म्यूजिक आ गई, और उसके बाद देन वी वेंट टू द आई मीन एनवेलप, और एनवेलप के द्वारा हमने साउंड को यहाँ ठीक कर लिया। अब इसको हमको मिक्स करना है, हाउ टू मिक्स डाउन दिस प्रोग्राम। ओके तो आइए इसे में चलते हैं, गो टू फाइल, फाइल के बाद वी टॉगल इट डाउन एंड वी कम टू इंपोर्ट। अब हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा सर, एक्सपोर्ट, सॉरी, तो अब हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड इट इज आस्किंग यू फॉर द ऑप्शंस कि whether you want this in MP3 or WAV, तो MP3 में रखिए, क्योंकि अगर WhatsApp में भेजना है, कुछ और करना है, तो MP3 is the best option, आप MP3 रख सकते हैं। WAV आप मास्टरिंग के लिए कर सकते हैं। तो MP3 हमने इसको क्लिक किया, जब क्लिक किया तो यहाँ पर नाउ, हाँ ओके, अभी आप यहाँ से आप सेलेक्ट आपका कौन सा फाइल, फाइल नाम से आपको सेव करना है, आप इधर सेव कर सकते हैं। आपके प्रोग्राम का नाम क्या है, आप ये बताएंगे? यहाँ पे हम वैसे हम रख रहा हूँ टाइटैनिक। हाँ ये नाम हमने रख लिया। हाँ हमारा प्रोग्राम तो टाइटैनिक के ऊपर है, इसलिए हम टाइटैनिक नाम रख दिया। और इसमें आपको ये वार्निंग, ऐसे एक्चुअली इट्स नॉट अ वार्निंग, इट्स एन इन्फॉर्मेशन, आपका ट्रैक अभी मिक्स डाउन हो जाएगा और एक ही ट्रैक, एक ही फाइल बन जाएगा। इसका मतलब है ये एक ही फाइल बन जाएगा, इसका मतलब अलग अलग आपको अभी नहीं सुन सकता ये। बिल्कुल। अभी हमने फिर ओके, अब यहाँ पर ये कह रहा है आपको इट नीड्स फर्दर डिटेल एंड फर्दर डिटेल इज नेम ऑफ द आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट का नाम हम इस समय यहाँ टाइप कर देंगे। ट्रैक टाइटल इज टाइटैनिक लिख सकते हैं, ये हम इसका मेटा डाटा बोलते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हाँ और ये जो नीचे चल रहे हैं ये सब पूरे कीवर्ड है, मतलब इसमें नीचे कमेंट करना है, योनर क्या है, ईयर क्या है, एवरीथिंग यू कैन डू। यस सर। तो अब इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। ओके जब यहाँ पर आगे हम इसको ओके करेंगे, जब हाँ ओके करेंगे, देखिए यहाँ पर ये इसको मिक्स कर रहा है, एक्सपोर्टिंग द ऑडियो विद द स्टैंडर्ड प्रीसेट, ये हो गया। और अब हम देखेंगे ये कहाँ गया है। डेस्टिनेशन इसने पूछा था, तो वी हैड सेड इट मस्ट गो टू डेस्कटॉप, तो अब ये डेस्कटॉप में आ गया होगा। यस सर, इट्स हियर, ये यहाँ पर है। ये वो प्रोग्राम है जो भी हमने बनाया, इसको अब आप व्हाट्सएप से भेज सकते हो, ईमेल से भेज सकते हो, मोबाइल में डाल सकते हो, जो कुछ है वो हो सकता है। आइए सुनते हैं कैसा सुनाई पड़ता है। राइट साथियों, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम को ट्यून किया। उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आता है। श्रोताओ, आज हम बातचीत करेंगे एक फिल्म के बारे में और इस फिल्म को बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड मिले। इस फिल्म का नाम था एंड को देखते हैं, एंड, लेट अस सी द एंड। इसी में बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हूँ आपका दोस्त अजीत होरो, और अगले प्रसारण में फिर से भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। डन राइट। अब आते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं इसको।
तो अब यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बना लिया, अब ये प्रोग्राम बन गया। नाउ एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, अगर कोई सवाल है इस समय आप इस समय पूछ सकते हैं। और इसमें कुछ और डिटेल, और कोई बहुत डिटेल इसमें नहीं है, तो यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए, आपने एक प्रोग्राम बना लिया, प्रोग्राम अब बिल्कुल बन गया है। तो नाउ एनी क्वेश्चन, कैन एनिमेशन बी इनकॉर्पोरेटेड? नहीं, इसमें एनिमेशन तो इसी में नहीं हो सकता, ये बस हाँ, इसी में ऑडियो, नहीं होगा, ये ऑडियो के लिए, या ये बस ऑडियो के लिए ही इस ऑडियो ट्रैक को आप किसी एनिमेशन में ट्रैक में डाल के है। हाँ देन यू कैन डू दैट, वो हो सकता है। अच्छा, नॉइस कैंसिलेशन, नॉइस रिडक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, बता देते हैं नॉइस रिडक्शन कैसे होता है। यू गो टू द इफेक्ट, नहीं नीचे सेलेक्ट करना पड़ेगा सिलेक्शन तब है, वो शो सिलेक्ट कर करेगा। रहे हैं सर, कैंसिल आपको सबसे पहले एक पोर्शन को पोर्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन यू कैन ये कमांड द सिस्टम ना। सर। तो हल्का सा आपने सेलेक्ट कर लिया। आप इधर देख सकते हैं, एक्चुअली आपको नॉइस कैंसलेशन टूल यूज करने के पहले आपके पास कोई ऐसे सैंपल पोर्शन, होना हाँ चाहिए, ऐसे एक सैंपल होना चाहिए, वहां से आपको वो नॉइस सैंपल उठा सकते हैं, क्योंकि कुछ और नॉइज, बस नॉइस ही वहां पे होना चाहिए। अभी ये आप ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे सर का आवाज नहीं है, इसलिए मैं इस एरिया को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इसका यहाँ पे रूम एम्बियंस या कुछ नॉइस है तो इसी में होगा, और मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। और फिर मैं इफेक्ट्स इफेक्ट्स देन नॉइज इधर से रिडक्शन। आप देख सकते हैं, या इफेक्ट्स में क्लिक करके आपको इधर नॉइस रिडक्शन में आ सकते हैं, नॉइस रिडक्शन, हाँ, नॉइस रिडक्शन में क्लिक करके इधर देख लीजिए, नॉइस गेट नॉइस प्रोफाइल, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट अ फ्यू सेकंड्स ऑफ जस्ट नॉइस सो ऑडेसिटी नो व्हाट व्हाट टू फिल्टर आउट। इसलिए आपको इधर से ये नॉइस मैंने अभी सेलेक्ट किया है, वो आप वहां से गेट नॉइस प्रोफाइल, वो नॉइस प्रोफाइल मैंने उठा लिया। और फिर आपको कहाँ तक अप्लाई करना है उसके लिए, जिस वो पोर्शन में करना है। जिस पोर्शन में करना है वो पूरा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने अभी ये मेरा एंटायर ट्रैक को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और फिर दोबारा एफएक्स में जाइए, और फिर नॉइस रिडक्शन एंड देन ओके, हियर यू कैन सी ओके, नॉइस रिडक्शन कितना करना है वो इसका अलग अलग पैरामीटर्स है, और आप ये करके देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ही पता हाँ, उसके चलेगा। बाद ही ऐसे नहीं हो। जी, और मैंने ये अप्लाई कर दिया, से अप्लाइंग नॉइस रिडक्शन। बस ये हो गया, हाँ इसे पूरे सिस्टम को। हाँ, तो ये क्लियर हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? जी, आप लोग टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में या बोल सकते हैं। कैन वी चेंज वॉइस टोन लाइक? मेल पिच और मेल फीडबैक, एक्चुअली इसमें बहुत सारे बहुत टूल्स हैं, आप यूज कर सकते हैं। इसमें एफएक्स में आप जाइए, वहां पे आपको दिख रहे होंगे चेंज पिच, हाँ, इसमें से आप पिच चेंज कर सकते हैं। हल्का सा करके दिखाते हैं, हल्का सा, मेरी आवाज कोई बदलते हैं। ओके, चलिए, यह म्यूजिक है वैसे। परफेक्ट, नहीं सर वो मैंने आपका वॉइस ही सेलेक्ट किया सर। तो चेंज पिच में आइए। ओके कर दिए, जो भी है कोई बात नहीं। B2 क्या करें सर, शार्प कर दो, शार्प कर F दो, F एफ कर दो। हाँ ठीक है, ओके। ओके, नाउ लेट्स सी अ फ्रॉम हियर। तो ये आपका लो कर दिया हमने, हाँ तो इसी पिच को हम हाई भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं। तो इस फैसिलिटी को आप यूज कर सकते हैं। देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हैं। एनी क्वेश्चन? क्या कैन वी डिस्क्रिमिनेट टू पर्सन्स वॉइस? डिस्क्रिमिनेट नहीं, ये हम समझे नहीं। सर, आपका क्वेश्चन हमको थोड़ा सा नहीं, वॉइसेस आर कैन, ऑलरेडी, ये ना, दे आर ऑलरेडी डिफरेंट। हाँ आई हैव वर्क्ड इन ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर, कैन यू प्लीज अलाउ मी टू स्पीक? आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। ओके प्लीज रिपीट हाउ टू रिड्यूस।
इफ समवन स्पीक्स इन बिटवीन, नहीं ये नहीं होगा। वाले क्वेश्चन है, माउस माउस दिखाइए। हाँ आपको कोई भी ऐसे एरिया आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि बस वहां पे नॉइस ही है, बस आप देख सकते हैं यहाँ पे तो बस सर का आवाज नहीं है, सर का आवाज यहाँ तक है, और हम वैसे एक एरिया सेलेक्ट कर दिया बस वहां पे नॉइस है। हाँ, कोई एनवायरमेंटल नॉइस, और उसके बाद आपको जाना है इफेक्ट्स में, इफेक्ट में जाके वहां से आपको जाना है नॉइस रिडक्शन, नॉइस रिडक्शन क्लिक करके आपको इधर एक गेट नॉइस प्रोफाइल आ जाएगा, उसी में से आप नॉइस प्रोफाइल सेलेक्ट कर दिया और फिर आप पूरा एक ट्रैक, इसी ट्रैक में आप नॉइस रिडक्शन डाल सकते हैं। नॉइस रिडक्शन फिर दोबारा जाके आपको इधर अप्लाई करना पड़ेगा, नॉइस रिडक्शन में ही जाके यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, आप तो यहाँ बोल रहे हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग, आगे समय होगा तो जरूर ये भी रखेंगे। और एक क्वेश्चन और था यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से नीचे। अच्छा, ओके, हाउ मेनी ट्रैक्स कैन बी यूज्ड एक साथ? आप अगर ऑडेसिटी की बात है तो आप 3-4 में जाइए। हाँ सर, ज्यादा करने से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज नॉट अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर। तो ये हो सकता है इफ अ वॉइस इज रिकॉर्डेड इन लो वॉल्यूम, हाउ कैन इंक्रीज इट्स वॉल्यूम विदाउट डिस्ट्रैक्शन, डिस्टॉर्शन। ओके, तो सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। आइए, हमने सेलेक्ट किया, और थोड़ा कर तो थोड़ा, हाँ थोड़ा सा कर लंबा सा, बस बस ठीक है। गो टू इफेक्ट एंड कम टू एम्पलीट्यूड, एम्पलीफाई बोल रहा है, यानी आवाज का लेवल आपको बढ़ाना है। यस सर, तो क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर कोई भी एक सैंपल ले लीजिए, ठीक है, कितना बढ़ाना है, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन है अलाउ क्लिपिंग, क्लिपिंग का मतलब आपका वो वॉइस फिर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, विदाउट डिस्टॉर्शन है तो इधर आपको ये कट ऑफ करना पड़ेगा, अलाउ क्लिपिंग हटाना पड़ेगा, फिर आप कितना एम्पलीफिकेशन देना चाहता है वो यहाँ, माइनस है तो वो रिड्यूस हो जाएगा, प्लस है तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब लगा के देखते हैं। अभी हम ऐसे कर, क्योंकि अलाउ क्लिपिंग, क्योंकि ये क्लिप हो जाएगा इसलिए। ओके, देख अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे तो वो इस लेवल वेव फॉर्म बहुत मोटा हो गया ना, वेव फॉर्म देखिए, यू कैन लुक एट द हेल्थ ऑफ द वेव फॉर्म यहाँ पर बढ़ा है, एक बार सुन के देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आता है। श्रोताओ, आज हम बातचीत करेंगे एक फिल्म के बारे में, और इस फिल्म को बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड, इससे पता चलेगा इस फिल्म का नाम टाइटैनिक। आप ऊपर में देख रहे होंगे जो लेबल है ना, वो रेड को शूट कर रहा है, रेड को क्लिप कर रहा है। हाँ, तो रेड अगर शो हो रहा है उसका मतलब कि हमने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया है, राइट। आगे चलते हैं, एनी क्वेश्चन? कैन वी कंबाइन एन एग्जिस्टिंग वीडियो विद ऑडियो ट्रैक? नहीं, इसमें नहीं, ऑडियोसिटी में नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू मिक्स मिक्स 10 सॉन्ग्स फॉर सम डांस प्रिपरेशन, देन वी नीड टू, नहीं ऐसा नहीं है, 10 ट्रैक नहीं चाहिए, एक ही ट्रैक में यू कैन डू, यू कैन डू इन वन ट्रैक इटसेल्फ। सर, अगर साउंड में 2% की साउंड है तो क्या दोनों अलग अलग पर्सन की साउंड को अलग कर सकते हैं? नहीं, ये थोड़ा आप मिक्स ट्रैक है तो उसमें से अलग अलग, मतलब तो अलग होगा नहीं। हाँ नहीं, अलग नहीं होता है, अलग नहीं होता है। जैसे आप एक सॉन्ग से अगर म्यूजिक बजाए तो म्यूजिक को आप अलग नहीं कर सकते, अगर वो एक सिंगल ट्रैक में मिक्स्ड है। यहाँ कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर आप कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन जब हमने मिक्स डाउन कर लिया एक ट्रैक वो बन गया, तो इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, राइट। Is it support mono AU for condenser mic? If yes, tell just how to change the default source. Sir, आपको ये माइक तो यूज कर सकते हैं, आपको इधर दिख रहे होंगे माइक्रोफोन, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये आपका माइक्रोफोन सोर्स है,
आप इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका कौन सा माइक्रोफोन सेलेक्ट करना है। हाँ, इसमें तो अभी हमारे पास तो एक ऑलरेडी डिफॉल्ट एक माइक्रोफोन इनपुट है और एक वेबकैम इनपुट है, ये दोनों में से आप यूज कर सकते हैं। वैसे आप ओके हाँ गॉट इट, हाउ टू इंक्रीज वॉइस बिटवीन, वो तो सेम दैट्स माय क्वेश्चन वेदर देयर इज एनी फीचर दैट कैन रिकॉग्नाइज और डिफ्रेंशिएट। नहीं ऐसा फीचर नहीं है, हाँ. ऐसा फीचर नहीं है, ऐसा हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये तो ठीक है, ठीक है, वो फोर्स से तो सही बीच में सेलेक्ट करके वही है ना। हाँ हाँ, तो ये हो गया हमारी ओर से, ये ओवर है, अब समाप्त करते हैं सेशन को, क्योंकि ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव कवर्ड है ना। तो अगर कोई और कोई लास्ट क्वेश्चन हो तो हाउ मेनी ट्रैक्स वी कैन ऐड, तीन से चार तक जाइए इन ऑडेसिटी। एक्चुअली ऑडेसिटी का कुछ लिमिटेशंस भी होता है, इसलिए हम बहुत ज्यादा ट्रैक्स इसमें ऐड करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, जाएगा। हाँ, वो ठीक नहीं है, मतलब तीन से चार ओके, तीन से चार ओके, बाकी तो जवाब दे दिया हम लोगों ने, तो मेन स्क्रीन में आते हैं। रन फाइंड माइक्रोफोन आइकॉन, सर ये तो आपका विंडो में होना चाहिए सर, आप एक बार देख लीजिए। हाँ नहीं, he is asking for flag recording में जो जहाँ जहाँ ये है ना। नहीं सर, I think वो बीच में कट करके ये इधर उधर यही हो सकता है शायद। हाँ वही है, ये क्वेश्चन थोड़ा और क्लियर हो तो इजी है। क्वेश्चन ऑडियो सेटअप इज देयर, हाँ ठीक है, ठीक है। नॉइस रिड्यूस हो सकता है लाइक साउंड और ब्रस्ट, हाँ नहीं तो नहीं हो सकता, नहीं नहीं वो नहीं हो सकता, अगर सिंगल ट्रैक है तो नहीं होगा। हाउ टू एसेस द वॉइस क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ये तो सर इसके पीछे एक बात है कि एक तो बोलने का मॉड्यूलेशन होना चाहिए और दूसरा कि उच्चारण बहुत जरूरी है, अ वेरी क्लियर प्रोनाउंसिएशन, वेरी क्लियर प्रोनाउंसिएशन प्लस द डिक्शन, अगर ये दोनों चीजें ठीक है और प्लस द डेप्थ इन द वॉइस, वो भी हो सकता है द वे दे एक्सप्रेस, तो अलग अलग वॉइस की अलग अलग क्वालिटी होती है, लेकिन टॉप मोस्ट थिंग इज हाउ डू दे एक्चुअली प्रोनाउंस एंड हाउ डू दे मॉड्यूलेट, ये बातें हैं, तो इससे हम देख सकते हैं। तो समाप्त करते हैं आज के सेशन को और ओवर टू द कोऑर्डिनेटर। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन, और बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो गए, बहुत सारे डाउट्स आ भी रहे थे क्योंकि एक इतना अच्छा टूल, किस तरीके से हम ऑडियो रिकॉर्डिंग एडिटिंग कर सकते हैं, तो जाहिर है बहुत सारे डाउट्स भी आए और बहुत सारे डाउट्स क्लियर भी हुए जी। तो आई होप कि पार्टिसिपेंट्स ने एक नया टूल आज सीखा और वो अब इसको एक्सप्लोर करेंगे और ट्राई करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा हैंड्स ऑन करेंगे उतना ही अच्छा वो कर पाएंगे, उतने ही क्या फीचर्स हैं वो एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो कोई अगर अभी भी किसी के डाउट हैं कुछ तो वो पूछ सकते हैं, जैसे आई कैन सी सम हैंड्स आर रेज्ड सो दे कैन आस्क द क्वेश्चन। दिनेश सर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है हाउ टू ऐड, ठीक है ठीक है, छोटा मोटा चाहिए होता है, थैंक यू सो मच सर। हाउ टू ऐड पॉज इन रिकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन ना क्लियर नहीं है हमारे लिए, हाउ टू ऐड पॉज, या तो अलग अलग कट करके सीजन लगा के अलग अलग कर दीजिए है ना, यानी प्रोग्राम को अलग अलग कर सकते हैं, राइट बोलिए मैडम। मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, हाँ पहले मैं ये बता दूं, मैं चिली विंटर कश्मीर से इस वक्त बोल रहा हूँ, बहुत ठंड है यहाँ पे, तो मैंने पहले भी मैसेज में लिखा है आई हैव वर्कड इन ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर, श्रीनगर कश्मीर। तो सर आज का जो प्रोग्राम था ऑडेसिटी के बारे में, ये बहुत ही हेल्पफुल था, लेकिन हम ऑल इंडिया रेडियो में जो यूज करते थे या आज करते हैं वो है साउंड फोर्ज
और आजकल निकिया भी आ गया है, उसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं ऑडेसिटी के अलावा। क्या उन सॉफ्टवेयर्स पे कोई सेशन हो सकता है, पॉसिबल है? क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिकली पॉजेस हम रिमूव कर सकते हैं, वहां पे हम नॉइज कंट्रोल कर सकते हैं, या बाकी चीज हो सकता है वो। लेकिन इनफैक्ट ना वो जो सारे सॉफ्टवेयर हैं वो उसके लिए आपको लाइसेंस, पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, पेड सॉफ्टवेयर्स हैं। तो आमतौर पर कोई टीचर अगर स्कूल में कर रहा है तो उसके लिए तो पेड सॉफ्टवेयर तो नहीं उतना इफेक्टिव होगा ना। तो सबसे अच्छा ये मतलब ऑडेसिटी इज द बेसिक, ये बेसिक है एक्चुअली। अदरवाइज जो दूसरे जो सॉफ्टवेयर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उसमें आप पॉजेस को भी मार्क कर सकते हैं, आप फ्लैगिंग भी कर सकते हैं, जहां पर मान लिया फंबल है तो वहां पर मार्क कर दिया ताकि वहीं पर पहुंच गए तुरंत, है ना, दैट इज द बुक मार्क, वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक है सर, ये बिल्कुल बेसिक है और छोटा मोटा काम तो कर ही देता है, बल्कि बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा नहीं है, इट कैन डू। सर एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, जो ऑडेसिटी में अगर कोई मोनो या स्टीरियोटाइप है, जो एम्पलीट्यूड दिखाता है ना, वो मोनोटाइप और स्टीरियोटाइप अगर हमें मर्ज करना है, फॉर एग्जांपल हमने वॉइस रिकॉर्ड की है स्टीरियोटाइप में और हमारा एक सॉन्ग है या कोई और क्लिप हम उसके साथ मर्ज करना चाहते हैं, वो है मोनोटाइप में, वो यहाँ पे नहीं हो पाता है, उसके लिए कोई हमें आप गाइड कर सकते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं? सर वो तो अभी यहीं पर हुआ था, क्योंकि जो जो मेरी वॉइस थी वो हमने मोनो में रिकॉर्ड किया था जी, और जिस म्यूजिक ट्रैक को हमने कॉल किया दैट वाज स्टीरियो, है ना? यस। लेकिन जब आप मिक्सिंग के ऑप्शन में जाएंगे तो वो जब पूछेगा आपको मोनो चाहिए या स्टीरियो चाहिए, आप जो ऑप्शन दोगे उसमें वो मिक्स कर देगा। अभी हमने वो ऑप्शन पहले पूछता है कि आपको किस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने शो किया था उसको, वो ऑलरेडी शो करेगा आपको, पूछेगा कि आप चाहे दो स्टीरियो रख लो, एक मोनो रख लो, अगर आप मिक्सिंग में जाओगे तो बोलेगा मैं किस ट्रैक में मिक्स कर दूं, तो आप वो वाला ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, हो जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो नमस्कार करने का समय है। हाउ टू स्टार्ट एनी स्क्रिप्ट एक्सटेम्पोर, व्हाट शुड बी द की पॉइंट्स। देखिए ये थोड़ा कठिन मामला है, लेकिन इसके लिए कि सबसे अच्छा अगर एक्सटेम्पोर करना है तो थोड़े से बुलेट पॉइंट बना लीजिए, नहीं तो पेड़ में चढ़ गए बाद में उतरना नहीं आएगा, है ना, ये थोड़ी मुश्किल होती है। तो हल्का हल्का पॉइंट लिख लिए, जैसे अभी जो मैंने बोला था तो मैं लिखूंगा जैसे कि वेलकम, वेलकम में तो मालूम है क्या बोलना है, बहुत बहुत आप लोग का स्वागत है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ट्यून किया। उसके बाद मैं आगे लिखूंगा हल्का सा, मैं आगे लिखूंगा जैसे टाइटेनिक, है ना, मैं टाइटेनिक लिख दूंगा, तो अब मुझको अच्छा टाइटेनिक के साथ लिखूंगा आइसबर्ग, ये सिर्फ छोटे छोटे, ये बहुत स्मॉल स्क्रिप्ट है, आइसबर्ग लिख दिया, जब वो लिख दिया तो ऑफलाइन सेशन इज रिक्वायर्ड, तो ये तो मालिक लोग बोलेंगे जो लोग हंस रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन ये नहीं है, है ना, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है ये, तो वही तो एक्सटेम्पोर बोलने का वही तरीका है, कुछ बुलेट पॉइंट बना लीजिए। अब ये नहीं कि पेड़ में चढ़ गए उतरना नहीं आ रहा, एकदम वो एकदम ठीक ठीक करके पॉइंट बनाए, वही वहीं पर घूमना है आपको, तो आराम से बनता है, है ना, बाद में आदत हो जाएगी तो यूं ही बोलेंगे, आराम से बोलेंगे। ऑफलाइन ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, अगेन थैंक यू वेरी मच, भेंट होगी, मुलाकात होगी, और थैंक यू वेरी मच। तो इस समय अजीत होरो को और शानू मुक्सीन आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय सर, बाय। थैंक यू एवरीवन। तो अब हम लंच ब्रेक करते हैं एंड वी विल बी बैक एट शार्प 1:55।